नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के दो मतदान केंद्रों पर 10 मई को होगा पुनः मतदान। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए जारी किया नया आदेश। छठे चरण में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकती है अक्षरा सिंह। लखनऊ की टीम की हार के बाद केएल राहुल को लेकर संजीव गोयनका का गुस्सा आया सामने। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के दो मतदान केंद्रों पर 10 मई को होगा पुनर्मतदान। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के दो मतदान केंद्रों में फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया गया है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा के बूथ संख्या 182 और 183 पर पुनर्मतदान होगा। भारत चुनाव आयोग की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। दरअसल सामाजिक तत्वों ने 7 मई को हुए तीसरे चरण के मतदान के दौरान यहां पर हंगामा किया था, साथ ही ईवीएम में तोड़फोड़ की थी और इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने जिला पदाधिकारी की रिपोर्ट पर इस मतदान केंद्र पर फिर से चुनाव लड़ाने का फैसला दिया है। यहाँ पर कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए जारी किया नया आदेश। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस साल मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की होगी। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन कराना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय हस्तांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिले के दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि संबंधित स्कूल की विद्यार्थी के घर से दूरी कम हो जहां वो दाखिला लेना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। बीपीएससी शिक्षक बहाली से लेकर नीट का पेपर एक ही गिरोह ने कराया लीक। बीपीएससी शिक्षक बहाली, यूपी पुलिस भर्ती से लेकर नीट का पेपर एक ही गिरोह ने लीक कराया है। पेपर लीक कांड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इसमें ये बात सामने आई है कि इस गिरोह का सूत्रधार बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा का रहने वाला संजीव सिंह है। नीट यूजी पेपर लीक कांड में फरार अभियुक्तों की कुंडली खंगालने के दौरान इसका खुलासा हो सका है। प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित गिरोह का हाथ है और इसकी संलिप्तता यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक से लेकर बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में है। छठे चरण में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच की गई है। इसमें कुल 79 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। दूसरी ओर अलग अलग कारणों से 55 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए 144 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया था लेकिन 55 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हो चुका है। मालूम हो कि छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा एम्स पर केंद्र सरकार को दिया ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा एम्स पर केंद्र सरकार को नया आदेश दिया है। दरअसल दरभंगा के बदले सहरसा में एम्स बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के अंदर दरभंगा एम्स के लिए आवंटित दूसरी जमीन की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा है कि बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए आवंटित जमीन की व्यवहार्यता पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल का मोबाइल और एटीएम कार्ड हुआ चोरी। पटना में भागलपुर के रमंडा के मदरौनी निवासी और मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल का मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी हो गया। एटीएम के जरिए उनके खाते से 1 लाख रुपए की निकासी भी की गई है। इस घटना के बाद कांस्टेबल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि वो महावीर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे और इस दौरान उनके पास एक बैग भी था। एक युवक ने उनके बैग से मोबाइल फोन और एटीएम को चोरी कर लिया और इसके बाद 1 लाख रुपए की निकासी कर ली। बैलेंस चेक करने के दौरान उन्हें खाते से निकासी की जानकारी मिली। पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकती है अक्षरा सिंह। कभी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की फेवरेट जोड़ी हुआ करती थी, अब दोनों की लड़ाई राजनीतिक मैदान में भी हो सकती है।
पवन सिंह एक तरफ काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में भाजपा के कोटे से मंत्री बने संतोष सिंह ने इस बात का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पवन सिंह के खिलाफ काराकाट में अक्षरा सिंह चुनाव प्रचार करेगी। वो लोगों से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ सकती है। बिहार में दिल्ली समेत कई शहरों से शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर, लगातार शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में सड़क मार्ग में इधर उधर चेक पोस्ट का निर्माण भी किया गया है। शराब तस्कर ट्रेनों से भी शराब की तस्करी कर रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, राजस्थान, पंजाब आदि जगहों से शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने 2 तस्कर को पकड़ा है, इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही एक शराब पीकर हंगामा करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 245 बोतल शराब को जब्त किया गया है। जमीन के बदले में नौकरी मामले में टली सुनवाई। जमीन के बदले में नौकरी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 9 मई को अहम सुनवाई होने वाली थी, अब टल चुकी है। 29 मई को अब इस मामले में सुनवाई होगी। मालूम हो कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। बीते मार्च के महीने में इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की थी। इसमें भोला यादव को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अमित कातवाल की जमानत याचिका पर फैसले को अदालत ने पिछले दिनों टाल दिया और उस पर अब आगे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपित हैं। पूर्व सांसद रंजन यादव राजद में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देना और दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पूर्व सांसद रंजन यादव ने एक बार फिर से राजद का दामन थाम लिया है। राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि साल 2009 में रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनाव में मात दी थी। कहा जा रहा है कि इनके राजद में शामिल होने के बाद मीसा भारती की स्थिति मजबूत होगी। राजद में शामिल होने के बाद रंजन यादव ने कहा है कि बिहार में लालटेन की लहर चल रही है, हमारा गठबंधन देश भर में बेहतर परिणाम देगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। काराकाट के लोकसभा सीट से विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा के समर्थन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजा राम कुशवाहा के समर्थन में लोगों से वोट अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने सुना था कि 75 साल के बुजुर्ग ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ना तो काम की बात करते हैं और ना ही वो ध्यान की बातें करते हैं, ये केवल नफरत फैलाने की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये बिहार है और यहाँ उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाया जाता है। तेजस्वी यादव ने नया बिहार बनाने की बातें भी कही है। मीसा भारती के रोड शो में हुई हाथी घोड़ों की परेड। पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने रोड शो किया और लोगों से आशीर्वाद मांगा। इनका रोड शो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें डांसर के ठुमकों से लेकर हाथी घोड़ों की परेड तक शामिल हुई। राजद प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हजारों समर्थकों की भीड़ देखने को मिली है। काली कार में सवार होकर मीसा भारती ने लोगों को अभिनंदन किया। मनेर विधानसभा में मीसा भारती के रोड शो में घोड़े, हाथी और ऊंट से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान डांसरों ने ठुमके भी लगाए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। इन्होंने कहा है कि लालू यादव को देश के लोगों की चिंता नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद में डूबे हुए हैं, इन्हें देश और लोगों की चिंता नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश के विकास की चिंता बनी रहती है। आज उनके नेतृत्व में देश विश्व में विकास की ओर अग्रसर है। इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने राजीव प्रताप रूढ़ी को बड़े अंतर से जीत दिलाने की अपील की है। रविशंकर प्रसाद ने अनीसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बनने का किया दावा। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश में 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिली है और ये उनके कानून मंत्री रहते हुए हुआ है। भाजपा प्रत्याशी ने ये दावा किया कि अनीसाबाद से दीदारगंज तक 1,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा और इसका DPR तैयार हो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है
कि कांग्रेस और वाम दलों के लोग रामलला के केस पर सुनवाई नहीं होने देना चाहते थे। लखनऊ की टीम की हार के बाद केएल राहुल को लेकर संजीव गोयनका का गुस्सा आया सामने। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को सनराइजर्स हैदराबाद से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका का गुस्सा सामने आया है। उन्हें मैदान में केएल राहुल के साथ अलग अंदाज में बात करते हुए देखा गया। उनका यह बर्ताव क्रिकेट के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने इस बर्ताव को शर्मनाक करार दिया है। दरअसल लखनऊ की टीम को हैदराबाद के हाथों 10 विकेट से शिकस्त खानी पड़ी। केएल राहुल के सामने संजीव गोयनका अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद गोयनका को यूजर्स के फटकार का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो पीपीएससी एसएससी यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, दुनिया भर में किस तारीख को हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई? सही उत्तर है 7 मई। हाल ही में किस देश ने 100 रुपए के नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया है? अमेरिका, नेपाल, इंग्लैंड या अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है नेपाल। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कहां पर आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में हिस्सा लिया? अमेरिका, दुबई, श्रीलंका या नेपाल? सही उत्तर है दुबई। साल 2023 में महिला T20 विश्व कप में विजेता कौन से देश की टीम थी? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हल्दी घाटी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? 1575, 1576, 1577 या 1578? सही उत्तर है 1576। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, मुराड़ी कुमार ठाकुर, वेद प्रकाश सिंह, कृतिका राज, मनीष प्रताप सिंह, राकेश मिश्रा, नंद कुमार सिंह, दीपक कुमार, मदन कुमार, मोहित धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके इलाके में चुनावी मुद्दा क्या है या आपके अनुसार किस मुद्दे पर मतदान किया जा रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।